मित्रों, वंस अगेन आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं अभी चर्चा कर रहा था पिछले वीडियो में समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2022 के बारे में, जिसका कि नोटिफिकेशन दिसंबर में आएगा और एग्ज़ाम फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक में होगा प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स का मेंस दोनों की तैयारी करनी है, 6 महीने आपके पास बचे हुए हैं। स्पेशली मैं इस वीडियो में हिंदी की चर्चा करूँगी। हिंदी की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि हिंदी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कहाँ पर, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा। जैसे आपको मालूम है कि 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब वहाँ पर प्रीलिम्स में, तो 140 क्वेश्चन होते हैं जीएस के और 60 क्वेश्चन होते हैं हिंदी के। तो जीएस का सिलेबस तो आप जानते हैं, चाहे साइंस पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, मॉडर्न हिस्ट्री, वो सारी चीज़ें, जनसंख्या, नगरीकरण, राज व्यवस्था, संविधान, कृषि प्रौद्योगिकी, सब कुछ पढ़ने के बाद आपको मिलता है 140 क्वेश्चन। और 60 क्वेश्चन मिलते हैं हिंदी के केवल 6 टॉपिक से 60 क्वेश्चन। आप विश्वास मानिए कि जो है इसमें 52 से लेकर 59 तक लोग स्कोर करते हैं। मैंने 2 बार एग्ज़ाम दिया था, पहली बार में सिलेक्शन हुआ था, दूसरी बार मेंस देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन प्रीलिम्स दूसरी बार भी हमने दे दिया था। तो पहली बार आया था 52 हिंदी में, दूसरी बार आया था 59 हिंदी में, लेकिन उसका मेंस नहीं देना पड़ा 2014 वाला, क्योंकि 2013 में हम लोग सिलेक्ट हो गए थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सेल्फ के बारे में बताना नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि हिंदी में एवरेज 56 से लेकर 58 क्वेश्चन तक सही किए जा सकते हैं, लेकिन 52 से नीचे किसी कीमत पर नहीं होने चाहिए। और क्यों स्कोर किए जा सकते हैं, इसके पीछे बहुत सिंपल रीज़न है, केवल 6 ही तो टॉपिक है। टॉपिक कौन सा है? विलोम है, तत्सम तद्भव है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, वर्तनी शुद्धि वाला जो है, इरर वाला है कि कैसे सिंटैक्स जिसको बोलते हैं, और विशेषण विशेष, और एक टॉपिक बचता है पर्यायवाची। तो विलोम, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष, वर्तनीय शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द एवं पर्यायवाची। तो क्या 6 टॉपिक से हम 60 क्वेश्चन नहीं तैयार कर सकते? 1 टॉपिक से 10 क्वेश्चन आ रहा है तो क्या इतनी आसानी से? मुझे लगता है 10 दिन का काम है, 10 से 12 दिन का काम है, आप आउट ऑफ 60 एटलीस्ट 58 क्वेश्चन सही कर लेंगे, अगर 10 से 12 दिन कड़ी मेहनत कर लेते हैं आप। या आपने इतना लंबा समय है, कड़ी मेहनत की ज़रूरत नहीं, आप रेगुलर मेहनत की ज़रूरत है। तो मैं कहता हूँ कि आप इसको 10-10 क्वेश्चन जब एक एक टॉपिक से आ रहे हैं और बहुत आसान होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, और इसके लिए बुक्स आपको कौन सी पढ़नी, कहाँ से टैली कर जाते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन जो आते हैं, आदित्य प्रकाशन की एक बुक आती है हिंदी की, उसको आप ले ही लीजिएगा, आदित्य प्रकाशन की, उसमें प्रीवियस जितने क्वेश्चन होते हैं तो सब रहते हैं, उसको कई बार करेंगे। लेकिन एक बुक पढ़िए, बुक कौन सी पढ़नी है? बुक आपको हरदेव बाहरी जो लेखक हैं उनके लिए लीजिएगा, डॉक्टर हरदेव बाहरी, और राघव प्रकाश, और यार राघव प्रकाश ना मिले तो पृथ्वीनाथ पांडे, 2 बुक का आपको इस्तेमाल करना ही होगा, क्योंकि सारी चीज़ें एक बुक में नहीं मिलेंगी। तो हरदेव बाहरी की बुक या राघव प्रकाश जी की बुक और या पृथ्वीनाथ पांडे की, 2 कॉम्बिनेशन, हरदेव बाहरी तो मस्ट है, उसके साथ इन दोनों में से कोई एक ले लीजिएगा, और आदित्य प्रकाशन की पतली बुक लेकर के जो समीक्षा अधिकारी के लिए आती है, आप बार बार रिविजन कीजिए, निश्चित तौर पर सिलेक्शन होगा। 60 में से 58 यानी 58 out of 60 क्वेश्चन यू कैन वेरी वेल सॉल्व एंड यू कैन स्कोर एंड गेट क्वालिफाइड टू द प्रीलिम्स फॉर द मेंस। तो आप इतना कर सकते हैं, और यही चीज़ पूरा का पूरा सिलेबस मेंस में भी है समीक्षा अधिकारी। तो जब आप समीक्षा अधिकारी का मेंस देने जाएंगे तो सेम चीज़ यहाँ भी तैयारी, वहाँ 30 क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क्स के, तो आप वहाँ भी काम आएगा। तो यानी हिंदी को आप यहाँ अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि लगभग आधे का है चल रहा है सिस्टम। तो आप हिंदी को अच्छे से तैयार करिए, समीक्षा अधिकारी निश्चित तौर पर बन जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने जीएस में कम अच्छा स्कोर किया, हिंदी में ज़्यादा स्कोर किया था, और वो लोग आज समीक्षा अधिकारी यहाँ बने हुए हैं। हिंदी रिटर्न की चर्चा जब होगी तो हम किसी और वीडियो में करेंगे हिंदी, वो जब प्रीलिम्स के बाद जब मेंस का नंबर आएगा तो हिंदी में क्या क्या ड्राफ्टिंग है, जो पत्र लेखन जो भी है, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, संक्षेपण, उन सब चीज़ों के बारे में हम एक एक चर्चा करें। मुहावरे, लोकोक्तियाँ भी वहाँ आ जाएंगी, जो रिटर्न वाला पोर्शन है उसकी बात में कर, तो वो वहाँ भी ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव में यही रहेगा, विलोम, तत्सम तत्व, विशेषण विशेष, वर्तनीय शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और जो है पर्यायवाची शब्द, इतना ही रहेगा। तो आप लोग हिंदी को भी बराबर महत्व देंगे और बहुत अच्छी तैयारी करिए हिंदी की, और बहुत अच्छा नंबर देती है और आपने सिलेक्शन के लिए आपको एलिजिबल बनाती है। तो बेस्ट ऑफ लक और हिंदी, एंड जो हम लोग एसे वगैरह की रणनीति आगे जो है किसी वीडियो में एसे की रणनीति भी बताएंगे, एसे भी रहता है, 3 एसे लिखने रहते हैं। इसके साथ साथ हम जो है हिंदी की क्लास भी कराएंगे आपको,
विलोम कौन कौन से खास खास शब्द हैं, पर्यायवाची में क्या किस किस चीज में जैसे ध्यान देना चाहिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कौन सा ज्यादा कठिन है और कौन सा ज्यादा पूछा जाने का चांस है, इसकी चर्चा करेंगे हम। शुद्ध अशुद्ध शब्दों में जो ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ज्यादा जहां कंफ्यूजन है मैं उसकी चर्चा करूंगा। विलोम शब्द में जहां ज्यादा लोग भूल करते हैं मैं उसकी चर्चा करूंगा, जहां ध्यान नहीं जाता। कठिन से कठिन शब्दों का हमने एक कॉपी में लिख रखा है, मैं उसको आप लोगों को बहुत ही जल्द देने वाला हूं। तो आप लोग हमारे वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और आगे हम आपकी तैयारी पूरी कराएंगे और आप समीक्षा अधिकारी बनकर निश्चित तौर पर हमारे सचिवालय की शोभा बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।